एक्शन होटल आयस हाय प्रदीप दिस से एक काम कीजिए आप एक डबल रूम बुक कीजिए वेडनेसडे से संडे तक के यस पेमेंट मैं आरटीजीएस कर दूंगा ओके इट्स सो नाइस जान दी माय वाइफ वो खुद ही इनिशिएट करती है इन आउटिंग्स के लिए और बस मेरा काम आसान हो जाता है मैं जानवी को चीट कर रहा हूँ और इस बात के लिए मैं गिल्टी भी फील करता हूँ कभी कभी बहुत बुरा लगता है लेकिन लेकिन मैं करूँ क्या मैं कैसे कहूँ उससे कि मैं तंग आ गया हूँ उससे बोर हो गया हूँ उससे बस इतना तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को भी चीट कर रहे हो वो दोस्त जो बचपन से तुम्हारा जिगरी यार है तुम उसी की वाइफ को लेके आउटिंग प्लान कर रहे हो इस बात को लेके मैं भी बहुत गिल्टी फील करता हूँ गिल्टी फील करता हूँ बोल देने से हो गया आखिर तुम सच्चाई का सामना कब करोगे जानवी को आउटिंग पसंद है और इसी बात का तुम फायदा उठाते हो हमेशा विक्रांत और रोशमी को अपने साथ लेके जाते हो कभी ये सोचा है कि जब इस सच्चाई का खुलासा होगा तो क्या होगा या फिर कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि जानवी तुमसे बोर हो जाए क्या हुआ जाल तो तुमने बिछाया था फर्क सिर्फ इतना है कि जानवी तुमसे ज्यादा स्मार्ट निकले जैसे जाल तुम बिछा सकते हो वैसे जाल कोई और भी बिछा सकता है मुझे हमेशा आश्चर्य होता है कि जानवी को कभी मुझ पर शक क्यों नहीं होता आई मीन लेकिन एक बात उसे शक क्यों होगा वो भी तो वही चाहती है जो मैं चाहता हूं अगर ऐसा कभी होगा कि बात सामने आएगी तो ठीक है जब आएगी तब देखी जाएगी जब कभी दिल में शक हो ना कि ऐसा लगे कि सिचुएशन खराब होने वाली है तो ऐसी सिचुएशन से बाहर निकल जाना चाहिए एक मिनट क्या सिचुएशन से बाहर जाना चाहिए तुझे मौसमी पसंद है बात खत्म यहीं पे तू मौसमी से प्यार करता है ना तो इसकी बातें मत सुन छोड़ ना सुनू लेकिन बात तो वही है जाल ये बिछाई या वो तुम जाल तो बिछाई रहे अरे क्या जाल जाल बोल जा रहा है जाल वाल का छोड़ दे डर क्यों रहा है डर वजह से कोई चीज होती ही नहीं है डर के क्या होगा कुछ भी नहीं होगा जानवी ने वैसे भी डिवोर्स फाइल करना ही करना है तो बस जाने दे तेरे लिए आसान रास्ता बताऊं तू एक काम कर एक्सेप्ट कर तू जैसे ही एक्सेप्ट करेगा ना तू आसानी से निकल जाएगा बाहर इसकी बात मत सुन